तो हे गाइज नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे न्यू एडिटिंग वीडियो में। तो आज हम कुछ इस तरह से न्यू एडिटिंग आपको सिखाने वाले हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के मदद से, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और हाँ, इससे पहले मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा नए से नए एडिट वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आप लोग को बताता हूँ इस तरह से एडिट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा लंबा कर ले ताकि हमारा वीडियो आपको फुल स्क्रीन दिखे। तो सबसे पहले दोस्त अपनी गैलरी में चले जाना, और गैलरी में जाने के बाद वो फोटो को ले लेना है जिसको आपको एडिट करना हो, और सिंपली उसको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में गैलरी से ही शेयर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ पिक्सार्ट एप्लीकेशन में, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे पिक्सार्ट एप्लीकेशन ये रहा, और इसको सिंपली पिक्सार्ट में शेयर कर देना है इस फोटो को। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं एडिट करके। तो पिक्सार्ट में ये सिंपली हमारा फोटो आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले टूल्स है। तो हाँ, तो सिंपली टूल्स पे चले जाना है आप, और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस को थोड़ा 6 पॉइंट जैसे कि बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रेस्ट, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है जैसे कि देख लिए आप लोग। और इसको करना क्या होगा आपको, सिंपली ऊपर चिन्ह कर रहा मार्क कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इन्वर्ट कर देना पहले, ठीक है। तो इन्वर्ट यहाँ पे ये रहा, तो सिंपली इसको इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके रखना है ब्रश को। और उसके बाद सिंपली इसको जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद जहाँ जहाँ आपको दाढ़ी छोड़ के, जहाँ जहाँ आपको फेस दिख रहा है और दाढ़ी और आई को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर वाइट वाइट सा थोड़ा कर देना है, इसको ऐसे हाथ से इसको खींचना है, तो वहाँ पे वाइट हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो आप लोग वीडियो में। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ब्लैक लग रहा है वहाँ पे मैं थोड़ा कर लेता हूँ। आपको बाल और दाढ़ी और आँख के अंदर नहीं मारना है ये, हाँ, नहीं तो मारिएगा तो थोड़ा ख़राब दिखेगा फ़ोटो, तो इसके कारण वहाँ पर नहीं मारना है उसको। और लिप्स पर भी नहीं मारना है इसको, होठ पर भी नहीं मारना है, और सिंपली यहाँ पर इसको गर्दन पर भी मार देते हैं। यहाँ पर थोड़ा ब्लैक दिख रहा है तो यहाँ भी मार दीजिएगा आप, और यहाँ पे पूरा मार देते हैं पहले इसको। हम वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरा आपको अच्छे से डिटेल में दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से सही कर देना है इसको, ठीक है। और सही करने के बाद आपको फिर से चले जाना है उसी टूल्स में, यहाँ पे टूल्स रहा हमारा जैसे कि पहले गए थे, टूल्स में ही चले जाना है। उसके बाद एडजस्ट पर ही चले जाना है, और फिर से आपको यहाँ पर ह्यू पर जाके आपको यहाँ से कलर लेना है, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर चेंज कीजिएगा थोड़ा ब्लू टाइप का, तो ये -54 कर दीजिएगा इसको। उसके बाद सिंपली ऊपर जो आइकन दिख रहा है वहाँ पे, तो उस पर क्लिक करना है आपको। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको इरेज का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके रखना है। और ब्रश रहा ये, तो ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद जहाँ अपने फेस है ना, जहाँ जहाँ वहाँ कर देना, आपको बाल पर नहीं करना है, बाकी दाढ़ी वाड़ी कान वान सबको कर देना है, ताकि हमारा फेस का जो रेड सा आ गया है वो हट जाए, ठीक है। बैकग्राउंड पे आपको नहीं चलाना है, और कपड़े पे भी आपको नहीं चलाना है ये हाथ, सिंपली आपको सिर्फ फेस और गर्दन जो दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको रेड सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो वहाँ से इसको अच्छे से एकदम साफ कर दीजिएगा हम, ताकि ये बैकग्राउंड का कलर एकदम गजब हो जाए, और कपड़ा का भी कलर, हाँ। तो चलिए यहाँ से हम साफ कर देते हैं इसको एकदम अच्छे तरह से, मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें तभी आप समझ पाइएगा, तभी आप एडिट सीख पाइएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से इसको सही कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, और यहाँ पे लिखना है आप लोग को I E Y E I हो गया, तो यहाँ पे लिखिएगा तो आई का PNG आँख का PNG आएगा, जैसे आँख का भी आपको चेंज करना है तो सिंपली नीचे चले जाना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, तो ये वाला आँख का PNG आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, और छोटा करने के बाद जिस तरह से जैसे आँख में जो ब्लैक लस्सा वो है, तो वहाँ पे जाके इसको सेट करना है एकदम आराम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ओपेसिटी, तो इसको कम कर दीजिएगा, जैसे कि -30 से 31 रखिएगा, मैं यहाँ पर 30 से 31 कर दूँगा, ठीक है। अभी देखिए आप लोग ध्यान से, और इसको यहाँ पे सिंपली इतना पे सेट करने के बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा इरेज का ऑप्शन, ठीक है। तो इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको देखिए किस तरह से आपको उस पार्ट को जो नहीं रखना है उसको हटा दीजिएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, हैं। जैसे मेरा आँख के अंदर का जो ब्लैक सा है वो रहता है, उसी तरह से आपको इसको भी फिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर सही कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से ये ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद डबल ये है ना,
डबल पे आ जाएगा तो दोबारा ये हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा जिस तरह से आपने सेटिंग किया वहाँ पे, और उसको सिंपली दूसरे आँख में भी यही ऐसे करके डाल देना है, तो परफेक्ट ये मैच हो जाएगा एक रंग से। और यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए कितना गजब सा यहाँ पे मैच हो गया है। तो ये हमारा हो गया है आँख का PNG सेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से स्टिकर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइट, यहाँ पे सर्च करना है लाइट PNG। तो लाइट PNG सर्च करते यहाँ पे बहुत सारा लाइट आता है, तो आपको ये वाला लाइट आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको चले जाना है ब्लेंड में, यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ब्लेंड में जाने के बाद सिंपली स्किन कर देना है इसको, ऐसे स्किन कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आपको जहाँ पे रखने का मन हो, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे रख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे बाल पे रख के आपको सिखा रहा हूँ, ताकि लगे पीछे कोई लाइट जल रहा है। तो यहाँ पे ये इतना एडिट हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एडजस्ट पे चले जाना है फिर से। उसके बाद आपको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस को छोड़ देना है जैसा है वैसा ही। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट पे चले जाना है, उसके बाद सिंपली इसको +24 तक इसको रख देना है, ताकि फ़ोटो का क्वालिटी एकदम बेस्ट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का एडिट अब तक हो चुका है। उसके बाद आता है लिप्स, लिप्स को थोड़ा रेड रेड सा करना है, तो FX पे चले जाना है और फिर से यहाँ पे FX पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लर को कम कर देना, सेचुरेशन को आपको बढ़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर दिख रहा होगा आइकन, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से इन्वर्ट करके सिंपली ये वाला ब्रश चुन के आपको जैसे जैसे लिप्स है ना जहाँ जहाँ पे वहाँ पे आपको हाथ मार देना है, वहाँ पे एकदम आपका लिप रेड रेड सा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेरा हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एडिट करना है यहाँ पे, और देख सकते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कितना चीज़ दिया होगा। बिफोर मेरा फ़ोटो ऐसा था और आफ्टर ऐसा हो चुका है, तो कितना बेस्ट एडिटिंग यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, यहाँ पे हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ मेरे चैनल पर नया हो तो मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।